हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश में भी रेत माफिया के हौसले किस तरह बुलंद है, इसकी पोल बारिश ने खोल दी है। आपको बता दें कि 30 जून से नदी में रेत खनन करने पर पाबंदी है, लेकिन भिंड जिले में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने पर लगभग आधा सैकड़ा से ट्रक और डंपर के बीच नदी में फंसे दिखाई दे रहे हैं। वहीं चंबल अंचल में हुई तेज बारिश से सिंध नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और ये वाहन नदी के बीच फंस गए। आपको बता दें कि अवैध खनन करने वाले नदी में फंसे इन वाहनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सिंध का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से मणिखेड़ा और मोहनी सागर बांध से पानी छोड़ा जाना भी है। नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से कई वाहन चालकों ने भागकर अपनी जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।